थ्योरी ऑफ गेम के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में सेडल पॉइंट के बारे में बताऊंगा, कैसे सेडल पॉइंट निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बताऊंगा और एक थ्योरम को बताऊंगा जिसमें अगर सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी गेम के प्रॉब्लम में तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसका एक थ्योरम बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं दो वीडियो गेम थ्योरी पर अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे हैं आई बटन को भी प्रेस करके उसके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हाई फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पर हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। आप यदि हायर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा या फिर इसमें आप अपना क्या फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले सेडल पॉइंट देखते हैं कि सेडल पॉइंट क्या होता है गेम थ्योरी में। तो ये सेडल पॉइंट ऑफ ए पे ऑफ मैट्रिक्स इज द पोजीशन ऑफ सच एन एलिमेंट इन द पे ऑफ मैट्रिक्स व्हिच इज मिनिमम इन इट्स रो एंड मैक्सिमम इट्स इन इट्स कॉलम। एक ऐसा पॉइंट होता है पे ऑफ मैट्रिक्स में, थ्योरी ऑफ गेम में एक पे ऑफ मैट्रिक्स होता है, उसमें से सेडल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो मिनिमम इट इन इट्स रो एंड मैक्सिमम इन इट्स कॉलम, जो रो का मिनिमम होगा और कॉलम का मैक्सिमम होगा। जैसे इस एग्जांपल से समझो, यहाँ पर मान लो ये पे ऑफ मैट्रिक्स है किसी भी गेम का, प्लेयर ए है और इधर प्लेयर बी है, प्लेयर ए का 3 स्ट्रेटजी है और प्लेयर बी के लिए 2 स्ट्रेटजी है। अब ये मान लो यहाँ पर -1 है, मतलब अगर प्लेयर ए फर्स्ट स्ट्रेटजी और प्लेयर बी जो है वो भी अगर फर्स्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करता है तो उस समय पे ऑफ जो है वो -1 होगा। इस तरीके से पे ऑफ दिया हुआ है। तो प्रत्येक रो का हम लोग मिनिमम निकालते हैं, रो का मिनिमम। तो रो का मिनिमम क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर रो का मिनिमम है -1, रो मिनिमम लिखा हुआ है। इस रो में मिनिमम क्या है 2 और इस रो में मिनिमम क्या है -6। और कॉलम का मैक्सिमम निकालते हैं, इस कॉलम का मैक्सिमम, तो इस कॉलम का मैक्सिमम है 2 और इस कॉलम का मैक्सिमम है 6 है। यहाँ पर 6 है, 4 है, -6 है, तो कॉलम का मैक्सिमम 6 है। तो ऐसा पॉइंट देखो पी ऑफ मैट्रिक्स में, एक ऐसा सेल देखो जिसमें रो का मिनिमम और कॉलम का मैक्सिमम सेम हो। तो रो का मिनिमम 2 है और कॉलम का मैक्सिमम 2 है, ये दोनों सेम है। अगर रो का मिनिमम देखा जाए तो ये 3 रो का मिनिमम है और कॉलम का मैक्सिमम ये 2 है, तो उसमें से सेम कौन सा है? रो का मिनिमम और कॉलम का मैक्सिमम सेम होना चाहिए। तो रो का मिनिमम भी 2 है और कॉलम का मैक्सिमम भी 2 है। तो ये जो पॉइंट है ये, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेडल पॉइंट कहते हैं। यानी सेडल पॉइंट पे ऑफ मैट्रिक्स का ऐसा पोजिशन हो गया जहाँ पर रो का मिनिमम और कॉलम का मैक्सिमम जो है वो सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि ये सेडल पॉइंट ऑफ ए पे ऑफ मैट्रिक्स इज द पोजिशन ऑफ सच एन एलिमेंट इन द पे ऑफ मैट्रिक्स विच इज मिनिमम इन इट्स रो एंड मैक्सिमम इन इट्स कॉलम। वो मिनिमम भी होगा रो का और मैक्सिमम भी होगा कॉलम का। इसको मैथमेटिकली ऐसा कह सकते हैं कि इफ़ ये पे ऑफ मैट्रिक्स भी आई जे, अगर पे ऑफ मैट्रिक्स भी आई जे मान ले, जैसे यहाँ पर भी लिखे हुए हम लोग V11, V12, V21, V22, V31, V32, तो ये पे ऑफ मैट्रिक्स मान लो सपोज करो वी आई जे है, इज सच दैट मिनिमम ऑफ वी आई जे और उसका फिर मैक्सिमम, मैक्सिमिन, ये क्या कहलाता है, मैक्सिमिन कहलाता है, जो पहले बता चुके हैं। तो मैक्सिमिन और मिनीमैक्स दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, ये मिनिमम ऑफ वी आई जे का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर जे वैरी कर रहा है, मिनिमम ऑफ वी आई जे जहाँ पर जे वैरी कर रहा है। तो जरा ध्यान देना, तो मिनिमम ऑफ वी आई जे, जैसे वी आई जे, जरा ध्यान देना यहाँ पर, मिनिमम ऑफ वी आई जे जहाँ पर जे वैरी कर रहा है, तो जे को वैरी करवाएंगे, यानी कि मिनिमम ऑफ वी आई वन, वी आई टू, अगर आई के मतलब ये बता रहा है आईएथ रो का,
ये आईएथ रो का मिनिमम बता रहा है, जैसे यहाँ पर दो कॉलम है तो आईएथ रो का बता रहा है। जैसे फर्स्ट रो का अगर देखें तो V11 और V12 का मिनिमम, तो V11 और V12 का मिनिमम क्या हो गया -1, तो ये बता रहा है रो का मिनिमम, और रो का मिनिमम का फिर मैक्सिमम, रो का मिनिमम का फिर मैक्सिमम, तो इस रो का मिनिमम का मैक्सिमम कौन सा हो गया ये, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस वैल्यू को कहेंगे हम लोग मैक्सिमिन, इसको क्या कहेंगे मैक्सिमिन कहेंगे, मतलब रो के मिनिमम का ये क्या है मैक्सिमम है। और दूसरा है मिनीमैक्स, ये कहलाता है मिनीमैक्स, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम किसका निकालना है, VIJ का, जहाँ पर आई वैरी कर रहा है, ध्यान देना आई वैरी कर रहा है, मैक्सिमम मीन्स ऐसे निकालो मैक्सिमम ऑफ VIJ जहाँ पर क्या वैरी कर रहा है आई, तो आई वैरी करेगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे V1J, फिर V2J, V3J, तो इसका मैक्सिमम V1J, V2J, V3J, J फिक्स रहेगा, जैसे यहाँ पर देखो V11, V21, V31, यहाँ 1 फिक्स है, J जैसे यहाँ पर J फिक्स है, मतलब ये jth कॉलम का मैक्सिमम बता रहा है, jth कॉलम का मैक्सिमम, फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम निकालना है, मतलब V11, V21, V31 का मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम कितना है -1, 2 और -2, उसमें से मैक्सिमम क्या है 2, तो ये बताता है jth कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू, तो प्रत्येक कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, प्रत्येक कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू निकाल करके उसका फिर मिनिमम, तो ये प्रत्येक कॉलम दो ही कॉलम है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिए और उसका मिनिमम, मिनिमम कौन सा आ रहा है ये, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं मिनी मैक्स कहते हैं, इसको कहते हैं मिनी मैक्स, तो ये क्या दोनों इक्वल है, मैक्सिमिन और मिनी मैक्स जो है वो दोनों इक्वल है। तो सैडल पॉइंट को मैथमेटिकली हम लोग इस तरीके से, अभी तो एक सैडल पॉइंट का डेफिनेशन बताएं, लेकिन मैथमेटिकली क्या है कि इफ ये पे ऑफ मैट्रिक्स VIJ इज सच दैट मैक्सिमम ऑफ मिनिमम VIJ और मिनिमम ऑफ मैक्सिमम VIJ दोनों इक्वल होना चाहिए, और मान लो वो VRS के इक्वल है, जैसे इस एग्जांपल में किसके इक्वल है V21 के इक्वल है, मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पर मिल रहा है V21 पर, तो सपोज करो VRS के इक्वल है, देन द मैट्रिक्स इज सेट टू हैव ए सैडल पॉइंट RS, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है पे ऑफ मैट्रिक्स उसका सैडल पॉइंट जो है वो कौन सा होगा RS होगा, जैसे इसका सेडल पॉइंट कौन सा हो जाएगा 2-1 जो है वो सेडल पॉइंट हो गया, इसी पोजीशन पर सेडल पॉइंट मिल रहा है, ये पोजीशन को ही हम लोग कहते हैं सेडल पॉइंट कहते हैं। अब ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होता है, सेडल पॉइंट समझ में आ रहा है, अब ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होता है, जहाँ पर मिनी मैक्स और मैक्सिमिन दोनों इक्वल है उसको हम लोग सेडल पॉइंट कहते हैं, यानी रो का मिनिमम और कॉलम का मैक्सिमम जहाँ पर इक्वल है उसको सेडल पॉइंट कहते हैं, उस पोजीशन को, ये V21 पर आ रहा है, तो प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी सेकेंड होगा और प्लेयर बी का ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगा फर्स्ट होगा, यही जो सेडल पॉइंट जहाँ पर आ रहा है, तो सेडल पॉइंट प्लेयर ए के लिए कौन सा स्ट्रेटजी पर है सेकेंड पर, और प्लेयर बी के लिए कौन सा स्ट्रेटजी पर है फर्स्ट पर, तो प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी सेकेंड होगा और प्लेयर बी के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी 1 होगा। तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या है, इफ द पे ऑफ मैट्रिक्स VIJ हैज द सेडल पॉइंट RS, अगर RS पर सेडल पॉइंट मिल रहा है, देन द प्लेयर ए एंड बी आर सेट टू हैव RS एंड SS ऑप्टिमल स्ट्रेटजी रिस्पेक्टिवली, ए का ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगा R होगा, RS स्ट्रेटजी जो है वो ए का ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगा, और बी का ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कौन सा होगा SS होगा, जैसे यहाँ पर V21 पर आ रहा है तो सेकेंड स्ट्रेटजी जो है वो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगा प्लेयर ए के लिए, और कॉलम ए वाला देखोगे तो फर्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो प्लेयर बी के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगा। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर उसको मैक्सिमम गेन मिल सकता है, हम लोग को निकालना क्या रहता है, गेम थ्योरी में निकालना रहता है जो प्लेयर ए का मिनिमम गेन है आ रहा है उसको हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं, मिनिमम गेन जो आ रहा है इस स्ट्रेटजी को अगर वो यूज करता है प्लेयर ये, तो मिनिमम गेन क्या आ रहा है -1, अगर इस स्ट्रेटजी को यूज करता है तो मिनिमम गेन 2 आ रहा है, और इस स्ट्रेटजी को यूज करता है तो मिनिमम गेन -6 आ रहा है। अब इस मिनिमम गेन को वो मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो मैक्सिमम कहाँ पर मिल रहा है, यही बोला
ठीक है, तो ये जो है वो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी हो जाएगा प्लेयर ए के लिए। और प्लेयर बी क्या चाहता है, जो मैक्सिमम लॉस हो रहा है उसको वो मिनिमाइज करना चाहता है। तो अगर प्लेयर बी फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज करता है तो वो लॉस कितना मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम लॉस जो है वो 2 मिल रहा है। और अगर सेकेंड स्ट्रेटजी यूज करता है तो मैक्सिमम लॉस 6 मिल रहा है। तो वो चाहता है कि अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करे। तो मिनिमम क्या होगा, जो मैक्सिमम लॉस लिखे हुए हैं इसका मिनिमम वैल्यू ये वाला मिला है, यानी ये जो स्ट्रेटजी है वो इसका प्लेयर बी का ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगा। तो अगर सेडल पॉइंट भी 2-1 पर मिल रहा है तो प्लेयर ए का ऑप्टिमल स्ट्रेटजी सेकेंड और प्लेयर बी का ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फर्स्ट होगा। तो वही यहाँ पर लिखे हुए हैं कि अगर सेडल पॉइंट आरएस है तो आरएथ ऑप्टिमल आरएथ स्ट्रेटजी जो है वो प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमल होगा और एसएथ स्ट्रेटजी जो है वो प्लेयर बी के लिए ऑप्टिमल होगा। अब वैल्यू ऑफ द गेम क्या होता है कि द पे ऑफ वी आर एस, अगर सेडल पॉइंट वी आर एस है तो पे ऑफ वी आर एस एट द सेडल पॉइंट आर एस पर ये मिलेगा पे ऑफ। तो अगर सेडल पॉइंट आर एस है तो उसका जो पे ऑफ होगा वी आर एस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द गेम, इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ द गेम। एंड इट इज ऑब्वियसली इक्वल टू मैक्सिमिन वी अंडर स्कोर एंड मिनीमैक्स वी बार ऑफ द गेम। देखो जैसे यहाँ सेडल पॉइंट 2-1 पर मिला तो 2-1 का जो पे ऑफ है कितना पे ऑफ है 2, तो इस 2 को ही कहते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ द गेम। यानी जो सेडल पॉइंट जहां पर मिलता है उसका जो पे ऑफ होगा उसी को हम लोग कहेंगे वैल्यू ऑफ द गेम। और ये निश्चित रूप से मैक्सिमिन और मिनी मैक्स के इक्वल होता है। देखो ये क्या था, ये जो निकाले हैं ये रो का जो मिनिमम रो था उसका मैक्सिमम था, तो मैक्सिमिन के इक्वल था और मिनी मैक्स दोनों क्या है, दोनों के इक्वल है। तो मैक्सिमिन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको भी अंडर स्कोर से डिनोट करते हैं और इसको कैसे डिनोट करते हैं भी बार से डिनोट करते हैं। तो जो वैल्यू ऑफ द गेम होता है, वैल्यू ऑफ द गेम निश्चित रूप से किसके इक्वल होगा, देयर फोर वी वैल्यू ऑफ द गेम को वी से डिनोट करते हैं, वी जो है वो वी अंडर स्कोर और वी बार के इक्वल होगा। वी अंडर स्कोर मीन्स हो गया मैक्सिमिन और ये वी बार हो गया मिनी मैक्स, तो दोनों के इक्वल होता है, ठीक है वैल्यू ऑफ द गेम। अब देखो आगे थोड़ा कि ये गेम इज सेट टू बी फेयर गेम इफ वी बार एंड वी अंडर स्कोर आर बोथ आर जीरो, अगर मैक्सिमिन और मिनी मैक्स दोनों का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो उस गेम को क्या कहते हैं फेयर गेम। और ये गेम इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल, निश्चित रूप से वो डिटर्मिनेबल है, डिटरमाइन कर सकते हैं उसको, कब कर सकते हैं, अगर वो मैक्सिमिन और मिनी मैक्स जो है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। और वो किसके इक्वल होना चाहिए, वैल्यू ऑफ द गेम के, दोनों अगर इक्वल हो तो भी तो ही उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ गेम। तो स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल कब होगा, जब मैक्सिमिन और मिनी मैक्स दोनों इक्वल हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है गेम थ्योरी में कि मैक्सिमिन और मिनी मैक्स इक्वल नहीं होता है, जब इक्वल नहीं होगा तो उसका सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये दोनों इक्वल रहे, मैक्सिमिन और मिनी मैक्स दोनों इक्वल रहे तभी उसका सेडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। और वैसे केस में हम लोग उस गेम को कहते हैं स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। अब हम लोग आगे देखते हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ए सेडल पॉइंट, सेडल पॉइंट निकालने का क्या रूल्स है उसके बारे में समझते हैं, कैसे हम लोग सेडल पॉइंट निकालेंगे। अभी हम लोग देखें कि सेडल पॉइंट किसको कहते हैं और निकालने का तरीका क्या होता है कि सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो एंड इनसर्कल देम। हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक रो का मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और उसको इनसर्कल कर देंगे, एक छोटा सा सर्कल डाल देंगे वहाँ पर। उसके बाद सेलेक्ट द मैक्सिमम एलिमेंट इन ईच कॉलम एंड इनक्लोज इन स्मॉल स्क्वायर। अब कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसमें एक छोटा सा स्क्वायर डाल देंगे। ये पॉइंट विच इज इंक्लूड विद इन द सर्कल एंड द स्क्वायर बोथ इज ए सेडल पॉइंट। अगर किसी एलिमेंट में सर्कल भी आ जाए और स्क्वायर भी आ जाए तो वो जो पॉइंट होगा वो एक सेडल पॉइंट होगा। इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं, जरा ध्यान देना कि द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए गेम इज गिवन बिलो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गेम टू ए एंड बी। एक पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है 2% जीरो सम गेम का है ये, तो इसका हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है गेम का।
तो सॉल्यूशन मीन्स क्या हुआ, हम लोग सेडल पॉइंट निकाल देंगे, जो सेडल पॉइंट निकलेगा वही सॉल्यूशन बता देगा कि ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ए के लिए क्या होगा और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बी के लिए क्या होगा। सॉल्यूशन ऑफ द गेम मीन्स क्या हुआ, एक तो हम लोग को ऑप्टिमल स्ट्रेटजी पता करना है कि ए के लिए कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी होगा और बी के लिए कौन सा बेस्ट स्ट्रेटजी होगा, और फिर दूसरा चीज़ तीसरा चीज़ क्या निकालेंगे कि वैल्यू ऑफ द गेम निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ द गेम कहाँ पर मिलता है, सेडल पॉइंट पर। तो सेडल पॉइंट निकालते हैं तो सारा चीज़ निकल जाता है, तो हम लोग सेडल पॉइंट ही निकालेंगे। तो ये पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले सेडल पॉइंट निकालते हैं, और सेडल पॉइंट निकालने का जो रूल है यहाँ पर लिखे हुए हैं उसी रूल को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो जरा ध्यान देना कि टू फाइंड द सेडल पॉइंट सर्कलिंग द रो मिनिमम एंड पुटिंग अ स्क्वायर अराउंड द कॉलम मैक्सिमम वी गेट द फॉलोइंग टेबल। क्या करना है, ये जो टेबल है यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले रो का जो मिनिमम है उसको हम लोग सर्कल करेंगे। सबसे पहला स्टेप में क्या बताया है यहाँ पर कि सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो एंड इन सर्कल देम। हम लोग प्रत्येक रो का मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और उसमें सर्कल डाल देंगे। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, -2, तो यहाँ पर एक सर्कल डाल देंगे। यहाँ लिख भी देते हैं रो मिनिमम जो है -2 आया है, इसको सर्कल भी कर देते हैं। अब सेकेंड रो का देखते हैं कि मिनिमम कौन सा है, सेकेंड रो का मिनिमम 1 है, यहाँ पर भी एक सर्कल डाल देंगे। यहाँ लिख सकते हो या जरूरी नहीं होता है यहाँ लिखना। फिर थर्ड रो का भी मिनिमम सेलेक्ट करेंगे, तो थर्ड रो का मिनिमम कौन सा है, -4 है, तो यहाँ पर भी एक हम लोग स्मॉल सर्कल डाल देंगे। तो -4 जो है वो एक सर्कल हो जाएगा यहाँ पर। इस रो का मिनिमम कौन सा है, -6 है, तो -6 में भी एक छोटा सा सर्कल डालेंगे। तो ये फर्स्ट काम कर लेंगे हम लोग कि प्रत्येक रो का जो मिनिमम है उसमें हम लोग सर्कल डाल देंगे, स्मॉल सर्कल डाल देंगे। फिर सेकेंड काम करेंगे, देखो सेलेक्ट द मैक्सिमम एलिमेंट इन ईच कॉलम एंड इनक्लोज इन अ स्मॉल स्क्वायर्स। अब प्रत्येक कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसमें एक स्मॉल स्क्वायर डाल देंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम सेलेक्ट करना है तो मैक्सिमम इस दोनों में, इस कॉलम में है 5, तो यहाँ पर हम लोग एक स्क्वायर डाल देंगे, यहाँ पर लिख भी देंगे, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे कि इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम इसमें से 3 है, यहाँ पर भी एक स्क्वायर डालेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3, ये कॉलम मैक्सिमम बता रहा है। और यहाँ पर से मैक्सिमम कौन है, 1 है, तो यहाँ पर स्क्वायर डालेंगे और यहाँ पर हम लोग लिख भी देंगे। तो इसमें पहले से सर्कल था और फिर हम लोग एक स्क्वायर भी डालें, यहाँ पर भी इसके सामने स्क्वायर कर दो क्योंकि स्क्वायर डाल चुके हैं। अब इसमें से मैक्सिमम देखो कि कौन सा है, मैक्सिमम 5 है, तो ये 5 में एक स्क्वायर डाल देंगे, यहाँ लिख देंगे। और इसमें से मैक्सिमम चूज करेंगे तो मैक्सिमम 6 है, यहाँ स्क्वायर डालेंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे। हालांकि ये जो लिख रहे हैं साइड में या नीचे उसको ज़रूरी नहीं है लिखना, सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स में ही हम लोग कर सकते हैं ये काम। अब जरा समझो तीसरा काम, फर्स्ट और सेकेंड तो हो चुका है, थर्ड में क्या कहता है कि ये पॉइंट विच इज इंक्लूड विद इन द सर्कल एंड स्क्वायर बोथ ही ये सेडल पॉइंट। अगर कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जो सर्कल से भी और स्क्वायर से दोनों से इंक्लूड है तो वही सेडल पॉइंट होगा। क्या यहाँ पर ऐसा मिल रहा है? एक तुम देख रहे हो ये जो पॉइंट आ रहा है वो सर्कल से भी इंक्लूड है और स्क्वायर से भी इंक्लूड है, तो यही पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, सेडल पॉइंट हो जाएगा। यानी कि ये रो का मिनिमम भी है और कॉलम का मैक्सिमम भी है। ये रो का मिनिमम और कॉलम के मैक्सिमम को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेडल पॉइंट कहते हैं। तो यही सेडल पॉइंट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको मैक्सी मीन भी कहते हैं, याद होगा मैक्सी मीन। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, भी अंडर स्कोर से। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मिनी मैक्स, मिनी मैक्स। एक्चुअली मैक्सिमम में से मिनिमम ढूंढते हैं। यहाँ पर तुम देखोगे 5, 3, 1, 5, 6 ये मैक्सिमम वैल्यू लिखा हुआ है कॉलम का और उसमें से मिनिमम हम लोग ढूंढ रहे हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, भी बार से। और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यही जो सेडल, ये पॉइंट जो है वो सेडल पॉइंट हो गया और यही हो जाएगा वैल्यू ऑफ द गेम। अब इसको लिखेंगे कैसे, थोड़ा आगे देखो। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि ऑब्वियसली द मैट्रिक्स हैज ए सेडल पॉइंट एट द पोजिशन 2, 3। कौन सा, ये सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है,
टू थ्री मीन्स सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के पोजिशन पर ही हम लोग को सेडल पॉइंट मिला, यही पोजिशन जो है वो सेडल पॉइंट है। तो दस दस सॉल्यूशन ऑफ द गेम इज गिवन बाय, अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन का मतलब बेस्ट स्ट्रेटजी चूज करना है और वैल्यू ऑफ द गेम लिखना है। तो द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज सेकेंड, प्लेयर ए के लिए सेकेंड स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ट स्ट्रेटजी होगा क्योंकि सेडल पॉइंट सेकेंड स्ट्रेटजी पर मिल रहा है। और द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी इज थर्ड, और प्लेयर बी के लिए थर्ड स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ट स्ट्रेटजी होगा, यही ऑप्टिमल स्ट्रेटजी प्लेयर ए के लिए और प्लेयर बी के लिए होगा। और थर्ड हो जाएगा द वैल्यू ऑफ द गेम इज वन फॉर ए, ये तो पे ऑफ मैट्रिक्स तो ए के लिए बनाया हुआ है, तो ए को वन रुपीज का या वन पॉइंट का या जो भी हो वन यूनिट का ये बेनिफिट मिलेगा, गेन मिलेगा। तो ए के लिए वैल्यू ऑफ द गेम हो जाएगा वन, और ये जीरो सम गेम है तो जितना ए को गेन हो रहा है उतना ही उसको बी को लॉस होगा, तो बी का लॉस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, यानी कि उसको हम लोग नेगेटिव गेन में लिखेंगे यानी कि माइनस वन लिखेंगे। तो वैल्यू ऑफ द गेम इज वन फॉर ए एंड माइनस वन फॉर बी। तो अगर सेडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो इस तरीके से हम लोग किसी भी गेम के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन कभी कभी सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं भी करेगा, या एक से अधिक सेडल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है, ये भी हो सकता है पॉसिबल कि वन से मोर देन वन सेडल पॉइंट हो सकता है। तो मोर देन वन सेडल पॉइंट होगा तो हो सकता है वहाँ पर ए के लिए या बी के लिए एक से अधिक स्ट्रेटजी जो है वो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी हो जाएगा। कोई सवाल बनाओगे तो वहाँ पर मिल सकता है ऐसा कि एक से अधिक सेडल पॉइंट होगा तो ए के लिए दो स्ट्रेटजी जो है वो ऑप्टिमल हो सकता है या दो से अधिक भी हो सकता है, बी के लिए भी एक या एक से अधिक का स्ट्रेटजी जो है वो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी हो सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो वैसे केस में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, अगर सेडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो ये प्योर स्ट्रेटजी होता है, प्योर स्ट्रेटजी ये फिक्स है कि ए जो है वो सेकेंड स्ट्रेटजी ही चूज करेगा, बाकी स्ट्रेटजी को वो इग्नोर कर देगा, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना है वन और बाकी का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा जीरो। कभी भी एक गेम में हमेशा सेकेंड स्ट्रेटजी ही चूज करेगा, और बी कौन सा स्ट्रेटजी चूज करेगा, थर्ड स्ट्रेटजी। तो बी के लिए भी ये प्योर स्ट्रेटजी हो गया। और मिक्स्ड स्ट्रेटजी कब होता है, जब वो किसी एक स्ट्रेटजी को चूज करने का प्रोबेबिलिटी वन नहीं हो, वन से कम हो। यहाँ पर तो इसका वन हो गया, अगर वन से कम है स्ट्रेटजी का प्रोबेबिलिटी, चूज करने का प्रोबेबिलिटी वन से कम है तो वैसे केस में प्योर मिक्स्ड स्ट्रेटजी होता है। तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी में सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर सेडल पॉइंट एग्जिस्ट कर गया मतलब वो प्योर स्ट्रेटजी है। और मिक्स्ड स्ट्रेटजी में हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अगर गेम को सॉल्व करना है तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि इस स्ट्रेटजी को चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको चूज करने का, इस तरीके से प्रत्येक स्ट्रेटजी को चूज करने का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। हो सकता है इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 हो, इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो, और इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो, इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो अगर मिक्स्ड स्ट्रेटजी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से सेडल पॉइंट निकाले वहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि फर्स्ट स्ट्रेटजी का 1/2 है, सेकेंड का 1/2 है, थर्ड स्ट्रेटजी का 0 है, फोर्थ स्ट्रेटजी का 0 है। ये प्रोबेबिलिटी अगर निकाल दिए तो प्रोबेबिलिटी निकालने से क्या पता चल जाता है, ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता चल जाता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, कौन सा स्ट्रेटजी को चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ए प्लेयर का भी हम लोग प्रत्येक स्ट्रेटजी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और बी प्लेयर का भी प्रत्येक स्ट्रेटजी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अगर वो सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो। तो अगर सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करे तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले उसका हम लोग एक थ्योरम देखेंगे, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ 2/2 गेम्स विदाउट सेडल पॉइंट। अभी मैं बताया हूँ कि सेडल पॉइंट अगर रहे तो कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन यदि सेडल पॉइंट नहीं है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसका सॉल्यूशन वो भी एक स्पेशल केस है 2/2 गेम, यानी कि दो ही स्ट्रेटजी ए के लिए भी होना चाहिए और दो ही स्ट्रेटजी बी के लिए भी होना चाहिए। अगर दो से ज़्यादा स्ट्रेटजी है तो कैसे उस सवाल को बनाएंगे उस तो बाद में हम लोग देखेंगे, पहले 2/2 गेम का हम लोग देख लेते हैं कि अगर विदाउट सेडल पॉइंट का 2/2 गेम है कोई तो उसको सॉल्व करने का क्या रूल है। सो दैट फॉर एनी 2% जीरो सम गेम, 2% जीरो सम गेम है वेयर ऑप्टिमल स्ट्रेटजी आर नॉट प्योर स्ट्रेटजी, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी प्योर स्ट्रेटजी नहीं है, मीन्स सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर सेडल पॉइंट एग्जिस्ट कर जाता है तो वो प्योर स्ट्रेटजी होता है। तो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी जो है वो प्योर स्ट्रेटजी नहीं है, यानी कि मिक्स्ड स्ट्रेटजी होगा, और मिक्स्ड स्ट्रेटजी के सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं।
दैट इज देयर इज नो सेडल पॉइंट एंड फॉर विच द प्लेयर इज पी ऑफ मैट्रिक्स, ये प्लेयर ए के लिए पी ऑफ मैट्रिक्स बना हुआ है, प्लेयर ए का ये पी ऑफ मैट्रिक्स है V11, V12 वगैरह, और X1, X2 इसका प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट स्ट्रेटजी को चूज करने का X1 प्रोबेबिलिटी और सेकेंड स्ट्रेटजी को चूज करने का X2, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, बी प्लेयर का फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करने का Y1 प्रोबेबिलिटी और सेकेंड स्ट्रेटजी चूज करने का प्रोबेबिलिटी Y2 है। तो सॉल्यूशन निकालने का क्या मतलब हुआ, अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए ये प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करते हैं कि प्लेयर ए का फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रेटजी चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा और बी प्लेयर का फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रेटजी चूज करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, यानी X1 और X2 का वैल्यू निकालते हैं, Y1 और Y2 का वैल्यू निकालते हैं, अगर ये निकाल दिए तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और फिर वैल्यू ऑफ द गेम भी निकाल देते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो सपोज करो ये पे ऑफ मैट्रिक्स है प्लेयर ए के लिए एंड ऑप्टिमल स्ट्रेटजी X1, X2 ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, बताए थे कि प्रोबेबिलिटी सिर्फ लिख देने से वो बता देता है ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कि फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है या सेकेंड का चूज करने का ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है या कितना प्रोबेबिलिटी है वो लिखना पड़ता है। तो एंड ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज X1, X2 एंड Y1, Y2 आर डिटरमाइंड बाय, ये कैसे हम लोग पता करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है कि X1 बाय X2 अगर निकालना है तो ये V22 माइनस V21 डिवाइडेड बाय V11 माइनस V12, मीन्स यहाँ से चलो V22 माइनस V21 डिवाइडेड बाय V11 माइनस V12, यहाँ से इधर से यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ V22 माइनस V21 डिवाइडेड बाय V11 माइनस V12, ये हुआ X1 बाय X2 निकालने का फॉर्मूला। फिर Y1 बाय Y2 निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से चलेंगे हम लोग V22 माइनस V12 डिवाइडेड बाय V11 माइनस V21, देखो V22 माइनस V12 डिवाइडेड बाय V11 माइनस V21, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, तो ये X1 बाय X2 और Y1 बाय Y2 निकालने का फॉर्मूला है। एंड द वैल्यू वी ऑफ द गेम टू द प्लेयर ए इज गिवन बाय, ए प्लेयर के लिए जो वैल्यू ऑफ द गेम होगा, ए और बी के लिए अलग अलग होता है, ए का जो वैल्यू ऑफ द गेम होगा उसी का निगेटिव क्या होता है बी के लिए, तो ए प्लेयर का जो वैल्यू ऑफ द गेम होगा भी निकालने का ये फॉर्मूला है V11 इंटू V22 माइनस V12 इंटू V21 डिवाइडेड बाय, फिर ये दोनों का सम है और माइनस फिर ये दोनों का सम है, तो ये वैल्यू ऑफ द गेम निकालने का फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग X1, X2 और Y1, Y2 निकाल लेंगे और वैल्यू ऑफ द गेम निकाल लेंगे। X1, X2, Y1, Y2 निकल गया मतलब प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा और प्रोबेबिलिटी ही जो है वो उसका सॉल्यूशन बताएगा, और ये फिर वैल्यू ऑफ द गेम जो है यहाँ से ये निकल जाएगा। तो अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं, चलो देखते हैं इसको आगे। तो प्रूफ के लिए क्या करते हैं कि लेट ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए बी गिवन बाय X1, X2, क्योंकि ये सेडल पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, प्योर स्ट्रेटजी नहीं है, मिक्स्ड स्ट्रेटजी है, तो मिक्स्ड स्ट्रेटजी में प्लेयर ए का प्रायोरिटी बताना पड़ेगा कि फर्स्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने का क्या प्रायोरिटी है और सेकेंड स्ट्रेटजी का सिलेक्ट करने का क्या प्रायोरिटी है। तो मान लेते हैं कि प्लेयर ए का जो मिक्स्ड स्ट्रेटजी है वो X1, X2 है, X1, X2 मतलब ये फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रेटजी का प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि प्लेयर ए का ये X1, X2 स्ट्रेटजी है मिक्स्ड स्ट्रेटजी, द नेट एक्सपेक्टेड गेन ऑफ ए, अब ए का जो है वो नेट एक्सपेक्टेड गेन निकालते हैं जब मान लो प्लेयर बी जो है वो फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है, अगर बी प्लेयर फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है तो एक्सपेक्टेड गेन क्या होगा, ध्यान देना ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी है। जैसे सपोज करो यहाँ पर इस तरीके से एक पे ऑफ मैट्रिक्स बना रहे हैं, मान लो 2, 3, 7, 8 है, या यहाँ पर 4 कर देते हैं, इसका सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1 बाय 2 है, इस स्ट्रेटजी को भी सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1 बाय 2 है, तो इसको कितना गेन होगा, टोटल गेन जो निकालना है एक्सपेक्टेड गेन, तो एक्सपेक्टेड गेन क्योंकि मान लो ये फर्स्ट स्ट्रेटजी सिलेक्ट करता है तो क्या एक्सपेक्टेड गेन होगा, जहां पर प्रोबेबिलिटी होगी वहां एक्सपेक्टेशन की बात हो जाता है, तो कितना गेन होगा अगर ये स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता, प्लेयर ए जो है फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है तो 2 मिलता, लेकिन फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1 बाय 2 ही है, ये पूरा इसी स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करे ये जरूरी नहीं है, इसका हाफ चांस ही बन रहा है फर्स्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने का, तो क्या करेंगे जो प्रोबेबिलिटी है उसको इसके पे ऑफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर भी सेकेंड स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने का भी प्रोबेबिलिटी 1 बाय 2 है, तो 1 बाय 2 को हम लोग इसके पे ऑफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना वैल्यू आ रहा है ये कैंसिल हो जाएगा 1 और यहाँ पर 2
यानी एक्सपेक्टेड गेन 3 होगा। एक्सपेक्टेड गेन 3 कब होगा, जब बी प्लेयर जो है वो फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट करे तो प्लेयर ए का एक्सपेक्टेड गेन 3 होगा। अगर फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता तो 2 मिलता, सेकेंड स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता तो 4 मिलता, लेकिन इसका सेलेक्ट करने का हाफ ही है प्रोबेबिलिटी, इसका भी सेलेक्ट करने का हाफ प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्सपेक्टेड गेन बता रहा है, एक्सपेक्टेशन बता रहा है इस, अगर प्लेयर बी फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है तो एक्सपेक्टेड गेन। तो एक्सपेक्टेड गेन हम लोग यहाँ इसी तरीके से निकाल लेते हैं, तो देखो क्या किए हैं कि द नेट एक्सपेक्टेड गेन ऑफ ए, ए का एक्सपेक्टेड गेन निकाल रहे हैं जब व्हेन बी यूजेज स्ट्रेटजी फर्स्ट, अगर बी जो है वो फर्स्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट करता है तब। कैसे निकाले हैं देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए V11 को इसके प्रोबेबिलिटी से X1 से और V21 को X2 से, और ये दोनों को V11 X1 और V21 X2 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं E1 ऑफ X से, एक्सपेक्टेड गेन निकल गया ये जब B यूज करता है फर्स्ट स्ट्रेटजी को, और B अगर सेकेंड स्ट्रेटजी को यूज करे, व्हेन B यूजेज स्ट्रेटजी सेकेंड, उस समय क्या होगा द नेट एक्सपेक्टेड गेन ऑफ एज क्या होगा, V12 को X1 से और V22 को X2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, V12 इंटू X1 प्लस V22 इंटू X2। क्या दिक्कत है किसी को? अब आगे बढ़ते हैं कि बट प्लेयर ए वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन। प्लेयर ए चाहता क्या है, जो मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन है उसको वो मैक्सिमाइज करना चाहता है, जो मिनिमम गेन होता है उसको मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन को वो मैक्सिमाइज करना चाहेगा। दो एक्सपेक्टेड गेन है, ये या ये, इस दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको वो मैक्सिमाइज करना चाहेगा। सो द वैल्यू ऑफ द गेम भी मस्ट बी मिनिमम ऑफ दिस। अब वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगा, जरा समझोगे यहाँ पर कि ये दोनों में से जो मिनिमम होगा वही होगा। जैसे मान लो E1 ऑफ x का वैल्यू, E1 ऑफ x का वैल्यू मान लो आया 3 और E2 ऑफ x का वैल्यू मान लो आया 4, ठीक है। तो जो वैल्यू होगा इसका, तो वैल्यू किसके बराबर होगा, मिनिमम ऑफ E1 X1 एंड E2 X2, इस दोनों में से जो मिनिमम है वही हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ द गेम ये 3 मिनिमम है तो 3 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ द गेम जो होगा वो निश्चित रूप से ये दोनों से स्मॉलर होगा या इक्वल होगा। ध्यान देना, यहाँ पर E1 X जो है वो भी के इक्वल हो गया, लेकिन E2 ऑफ X क्या आ रहा है, ग्रेटर देन भी, E2 ऑफ X जो है वो भी से बड़ा है। तो बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड गेन में जो मिनिमम होगा वही वैल्यू ऑफ द गेम होगा। तो एक्सपेक्टेड गेन में से 3 और 4 है, तो इसमें से मिनिमम ये 3 है, तो वैल्यू ऑफ द गेम कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द गेम भी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दो कि E1 ऑफ X जो है वो किसके बराबर आ रहा है, भी के बराबर, और E2 ऑफ X जो है वो भी से बड़ा है। तो या तो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो भी से बड़ा होगा या फिर क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये दोनों में से जो भी, मान लो अगर ये मिनिमम है तो उस समय ये इक्वल हो जाएगा वैल्यू ऑफ द गेम से और ये जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ द गेम भी मस्ट बी मिनिमम ऑफ E1 X1 एंड E2 X2, यानी कि E1 ऑफ X1 जो है वो या तो भी से बड़ा होगा या फिर क्या होगा, इक्वल होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड गेन जो है वो या तो इक्वल हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है भी से। तो एक्सपेक्टेड गेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी, और एक्सपेक्टेड गेन जो सेकेंड है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू भी होगा। तो दस फॉर द प्लेयर ए वी हैव टू फाइंड, अब प्लेयर ए के लिए जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी निकालना है तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, X1 X2 निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि X1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और X2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये निकालना है। एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है ना, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, 1 भी नहीं होगा क्योंकि मिक्स्ड स्ट्रेटजी है तो 1 से स्मॉलर ही होगा। तो X1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और X2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालना है, एंड भी, और भी निकालना है, भी वैल्यू ऑफ द गेम हो गया भी टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 रिलेशनशिप। अब 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, X1 X2 जो निकालना है वो ऐसा निकालना है जो इस 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सा 3 कंडीशन, देखो E1 ऑफ X ग्रेटर देन इक्वल टू भी है और E1 ऑफ X यही है ना,
तो ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू भी, वही यहाँ पर लिखे हुए हैं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी। और फिर ई टू ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, ई टू ऑफ एक्स तो यही है, तो ये जो है भी वन टू एक्स वन प्लस भी टू टू एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू भी। और एक्स वन प्लस एक्स टू का सम किसके बराबर होगा, वन के बराबर, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो वन के इक्वल होगा। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला अगर एक्स वन एक्स टू निकाल देते हैं तो यही मिक्स्ड स्ट्रेटजी निकल जाएगा इसका, प्लेयर ए का। फिर प्लेयर बी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन प्लेयर ए का अभी हम लोग निकाल रहे हैं, एक्स वन एक्स टू का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ऐसा निकालेंगे जो इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और साथ में नॉन नेगेटिव भी होना चाहिए, एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अब जरा ध्यान देना, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी तब मिलता है जब ये जो इन इक्वेशन है वो इन इक्वेशन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी तभी मिलेगा जब ये इन इक्वेशन जो है अनएक्सपेक्टेड गेन जो है वो किसके बराबर हो जाए, भी के बराबर हो जाए, दोनों केस में। फॉर ऑप्टिमम स्ट्रेटजी इनइक्वालिटीज वन एंड टू बिकम स्ट्रिक्ट इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन जो है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट इक्वेशन, इनइक्वालिटीज नहीं होना चाहिए, यानी कि वो इक्वेशन में बदल जाना चाहिए, तब ऑप्टिमम स्ट्रेटजी मिलेगा। तो ऐसे केस में अब ये हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए हैं, अब हम लोग यहाँ से x1 और x2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4 माइनस 5 इम्प्लाइज, तो दोनों से x1 कॉमन आ जाएगा। x1 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच रहा है, भी वन वन माइनस भी वन टू, और यहाँ पर x2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जा रहा है भी टू वन माइनस भी टू टू, और इधर भी माइनस भी जीरो हो जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा भी वन वन माइनस भी वन टू इंटू एक्स वन, और ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो भी टू टू को पॉजिटिव बना देते हैं और भी टू वन को नेगेटिव बना देते हैं इंटू एक्स टू, एक्स टू को इधर डिवाइड कर देते हैं तो एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू, और ये उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा भी टू टू माइनस भी टू वन डिवाइडेड बाई भी वन वन माइनस भी वन टू। तो एक तो यही निकालना था हम लोग को। अब जब ये x1 और x2 का रेशियो निकल गया तो x1 और x2 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक्चुअली हम लोग को निकालना है तो वैल्यू ही ना, x1 और x2 यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना। अब आगे यहाँ से x1 का वैल्यू जो है वो x1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक तो ये प्रूफ हो गया, नंबर सिक्स कर देते हैं। तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, भी टू टू माइनस भी टू वन डिवाइडेड बाई भी वन वन माइनस भी वन टू इंटू एक्स टू, और ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, इसको नंबर या छोड़ दो नंबर, इसको हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर थर्ड में, x1 प्लस x2 इक्वल टू वन है ना, इसमें पुट कर देते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन थर्ड, अब देखो थर्ड में पुट करने के बाद क्या होगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन थर्ड, पहले यहाँ पर है x1 प्लस x2 इक्वल टू वन, तो x1 का वैल्यू पुट करते हैं, x1 का वैल्यू है भी टू टू माइनस भी टू वन डिवाइडेड बाय भी वन वन माइनस भी वन टू इंटू एक्स टू, ये x1 का वैल्यू पुट कर दिए प्लस x2, तो प्लस x2 इक्वल टू वन, यहाँ से हम लोग x2 कॉमन ले लेंगे, तो x2 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं ना, x2 कॉमन लेंगे और LCM क्या आ जाएगा, यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ x2 कॉमन ले लिए हैं तो भी वन वन माइनस भी वन टू, यहाँ हो जाएगा भी टू टू माइनस भी टू वन, और प्लस ये उधर चला जाएगा भी वन माइनस भी वन वन माइनस भी वन टू और इक्वल टू वन, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि x1 का वैल्यू क्या, सॉरी x2 का वैल्यू क्या हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा भी वन वन माइनस भी वन टू और डिवाइडेड बाय भी टू टू माइनस भी टू वन, या ऐसा लिखते हैं भी टू टू प्लस भी वन वन, पहले वन वन ही कर देते हैं प्लस भी टू टू, और माइनस कॉमन ले लेते हैं ये दोनों से, तो भी वन टू प्लस भी टू वन, तो ये हो गया एक्स टू निकालने का वैल्यू। और एक्स टू का वैल्यू हम लोग अगर यहाँ पर पुट कर दें तो फिर एक्स वन निकल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर एक्स टू का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम सेवन, अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स वन का वैल्यू निकाल सकते हो, देखो ये, और जब पुट करेंगे x2 का वैल्यू तो इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में ये आ जाएगा भी टू टू माइनस भी टू वन, और डिनोमिनेटर में यही रहेगा, तो भी वन वन प्लस भी टू टू
माइनस भी वन टू प्लस भी टू वन, तो ये निकल गया x1 और x2 का वैल्यू। और जब x1 और x2 का वैल्यू निकल गया तो हम लोग फिर कहाँ पर पुट कर देंगे, x1 और x2 का वैल्यू अगर हम लोग फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दें, निकला होगा ना यहाँ पर वैल्यू, तो ये पुट कर दें x1 x2 का वैल्यू तो क्या निकल जाएगा, भी। तो यहाँ से भी तुम लोग खुद निकाल सकते हो, क्या करना पड़ेगा, x1 और x2 का वैल्यू पुट कर देना पड़ेगा। तो x1 x2 का वैल्यू पुट करने से भी तुम लोग खुद निकाल लेना, और ये जो वहाँ पर थ्योरम में था वही भी आएगा, सेम भी आएगा। तो ये x1 x2 निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब फिर हम लोग को निकालना क्या है, y1 और y2 निकालना है। तो सेम प्रोसेस से अगर आगे बढ़ते हैं तो y1 y2 निकाल सकते हैं। अब जिस तरीके से x1 x2 निकालें बिल्कुल सेम तरीके से y1 y2 निकालेंगे। तो इन द सेम मैनर फॉर द प्लेयर बी, वी फाइंड y1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। y1 y2 प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रेटजी चूज करने का, तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा। एंड वी टू द सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन, और वी वैल्यू ऑफ द गेम है। तो वो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान देना। प्लेयर ए अगर फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करे, प्लेयर ए फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करे, तो इसका बी का एक्सपेक्टेड गेन क्या कैसे निकालेंगे। फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करता है तो एक्सपेक्टेड गेन निकालेंगे भी वन वन इंटू वाई वन प्लस भी वन टू इंटू वाई टू। तो भी वन वन वाई वन प्लस भी वन टू इंटू वाई टू, और ये लेस देन इक्वल टू भी होगा, उसमें क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू ना। तो ये ए जो चाहता है उसका जस्ट अपोजिट ये चाहता है, बी जो है वो जो मैक्सिमम लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज करना चाहता है, और वो मिनिमम गेन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो वहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू था, यहाँ पर क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू भी। ये फर्स्ट स्ट्रेटजी अगर ए चूज करता है तब ये एक्सपेक्टेड गेन हुआ लेस देन इक्वल टू भी होगा, और अगर ए प्लेयर जो है वो सेकेंड स्ट्रेटजी चूज करे तो बी का एक्सपेक्टेड गेन कैसे निकालेंगे। एक्सपेक्टेड गेन नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड लॉस कहो ये, हालांकि गेन जो है वो गेन मान लो अगर गेन माइनस फाइव आ रहा है तो फाइव जो है वो लॉस हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड गेन हो जाएगा भी टू वन इंटू वाई वन प्लस भी टू टू इंटू वाई टू, भी टू वन इंटू वाई वन प्लस भी टू टू इंटू वाई टू लेस देन इक्वल टू भी। और वाई वन प्लस वाई टू दोनों प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, वाई वन वन होना चाहिए। अब क्या करेंगे कि ये इसको हम लोग स्ट्रिक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट कर देंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर फिर हम लोग दोनों को क्या किए थे, सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिए थे वैल्यू, तो उसी तरीके से यहाँ पर जब स्ट्रिक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई वन बाई वाई टू निकल जाएगा, और वाई वन बाई वाई टू में से वाई टू का वैल्यू या वाई वन का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो वाई एक वाई वन और वाई टू दोनों निकल जाएगा। तो इस तरीके से तुम लोग खुद निकाल सकते हो, यहाँ पर वाई वन और वाई टू निकाल सकते हो, और फिर y1 और y2 का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दे तो वैल्यू ऑफ द गेम भी निकल जाएगा, जो आएगा जो इक्वेशन है। तो वो खैर वैल्यू ऑफ द गेम तो यहाँ पर भी निकाले हुए हैं, तो उसको फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्या निकालना है y1 और y2, तो ये तुम लोग खुद निकाल लेना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि यदि किसी भी गेम का प्रॉब्लम के सेडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं, और फिर ग्राफिकल मेथड से भी गेम थ्योरी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।